जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आप सभी को पता है कि CDS 1 2021 का रिजल्ट आया है रिसेंटली, और अभी ऑफिशियल कट ऑफ भी आ चुकी है। देखिए, OTA की कट ऑफ गई है 107, AFA की कट ऑफ गई है 158, INA की कट ऑफ गई है 136, IMA की कट ऑफ गई है 145। ये हमारा CDS का पहला एग्जाम था जहां पर OTA की कट ऑफ 100+ हमें देखने को मिली थी। अभी ऑफिशियल कट ऑफ आज ही आई है। वैसे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको पहले एक साल ही बता दी थी कि लगभग इसके आसपास कट ऑफ जो है रही है, लेकिन काफी बच्चे होते हैं जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती उन्हें लगता है कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रेपरेशन चलती है कि मुझे OTA के अंदर 100 मार्क्स लेने हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि CDS 1 2021 की कट ऑफ कितनी गई है। OTA की 107, AFA की 158, INA की 136, IMA की कट ऑफ जो है 145 रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि OTA की कट ऑफ जो है 108 के पास भी रही है, INA की 137, IMA की 148, AFA की 159। हालांकि उस वक्त बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहली बार 100 से ऊपर कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और जो कि स्वाभाविक था कि नहीं मानने में आता कि इतनी कट ऑफ अचानक से कैसे बढ़ गई। लेकिन शायद लॉकडाउन था, उसकी वजह से बच्चे जो है ज़्यादा समझदार हो गए, उन्होंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। लेकिन ये जो आपकी बढ़ती हुई कट ऑफ है ना, इसमें एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये चीज़ है कि हर बार बहुत सारे नए बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, और नेगेटिव सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछली बार CDS का एग्जाम क्वालिफाई किया था और पॉइंट के ऊपर किया था। क्योंकि एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जो बच्चा एक बार CDS क्लियर करता था ना, उसका हर बार क्लियर होता था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका CDS 1 2021 तो क्लियर था, तो उन्हें लगा कि वो अगला CDS भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगला CDS उनका क्लियर नहीं हुआ। तो जिन बच्चों ने लास्ट टाइम CDS क्लियर किया था ना, अभी भी आपके पास में वक्त है। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जिन्हें लगा था कि एक बार CDS क्लियर हो गया है तो अगली बार भी हो जाएगा। जब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता है ना, कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो कभी आप लिस्ट के अंदर भी हो सकते हैं और कभी आप बाहर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक CDS का एग्जाम क्लियर नहीं किया, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो लिस्ट के अंदर आपका नाम जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ जो है सिर्फ CDS 1 2021 की ही ज्यादा गई है, बिल्कुल भी नहीं। जब CDS 2 2021 की कट ऑफ आएगी ना, तो आप देखेंगे कि उसकी भी कट ऑफ आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी। तो यहां से आपको सीखना क्या चाहिए? यही सीखना चाहिए कि अगर CDS का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो लगातार एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, आपको लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, आपको इम्प्रूव अपने आप को करना होगा। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि पिछली बार उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, उनका CDS का एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगली बार वो रिवाइज भी नहीं करते, करंट अफेयर्स भी अच्छे से नहीं करके जाते, और फिर एग्जाम में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ध्यान में रखना, स्पेशली मेरा डर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी CDS का एग्जाम क्लियर कर लिया था, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो जब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं ना, तो कई बार उतना एफर्ट डालते नहीं हैं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास में टाइम है, चीज़ों को रिवाइज जरूर कर लेना, कुछ मॉक टेस्ट जरूर दे देना और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा देकर घबराना नहीं है। बस आपका टारगेट जो है ज़्यादा होना चाहिए। आप जितना भी टारगेट कर रहे थे उससे 5-6 मार्क्स जो है ज़्यादा टारगेट करिए, ताकि कट ऑफ अगर आपकी ऊपर भी जाए तो भी आप यहाँ पर इजिली एग्जाम क्लियर कर लें। और इतने मार्क्स अगर बाकी बच्चे ला रहे हैं तो आप भी ला सकते हैं। इसी वजह से आपकी जो प्रेपरेशन है एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या था?
मेन मोटिव था कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में रहते थे, उन्हें लगता था कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। जब मैं कमेंट्स भी पढ़ता था, कुछ एक दो शरारती तत्व भी होते हैं, जब 107 कट ऑफ गई थी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि मेरे तो 99 आ रहे थे, 98 आ रहे थे, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो बाकी बच्चे भी यही देखना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे तो 105 आए थे, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इसका 99 के ऊपर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कई बच्चे आपको वैसे ही थोड़े से मज़े ले लेते हैं जब रिजल्ट आता है, उसे दिल में मत बिठा लिया कीजिए। जब मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ इसके आसपास गई है या फिर आने वाले एग्जाम की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो मान के चलिए कि उसके आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपका और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए CDS 1 2021 की कट ऑफ से आपको अंदाज़ा भी हो चुका है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अभी जाइए अच्छे से पढ़िए, आपके पास में पूरा दिन बचा हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन करिए, आने वाले जो आपके पास में 18 डेज बचे हुए हैं उसके अंदर अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हैं उतना ज़रूर लगाइए। एग्ज़ाम देने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेता तो आज मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। जिस दिन आप एफर्ट लगा लेंगे ना अपना 100% और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा उस दिन मुझे बताना। लेकिन आप सभी को पता है कि आप अपना 100% देते ही नहीं हैं। अगर आप 100% देना शुरू कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अभी के लिए मैं विराम लेता हूँ। विराम लेने से पहले जस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर CDS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ देनी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। इसके अलावा हमने CDS 2022 OTA और IMA का बैच भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो जो आपके पास में बचे हुए दिन हैं यानी 10 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसके लिए करंट अफेयर्स भी आप पढ़ पाएंगे। करंट अफेयर्स के साथ में आप टेस्ट सीरीज़ भी दे पाएंगे, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी जो है अगले CDS तक रहने वाली है, तो अगला CDS का एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर इसी के अंदर कवर हो जाएगा। इवन आपका CAPF का एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त के अंदर, वो भी इसी बैच के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। तो देरी मत करिए, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो एक्शन ले लीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता उसे समझ लीजिए, अगर आपने इको कवर नहीं की है, ज्योग्राफी कवर नहीं की है, पॉलिटी कवर नहीं की है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो पढ़ लीजिए, एक्शन ले लीजिए। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट मैं क्लियर करूँगा आपका, एक एक टॉपिक जो है आपको समझाया जाएगा, तो जब समझाया जाएगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। अभी वो टाइम नहीं रहा जहाँ पर आपने दो सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए और GS के अंदर काम चल जाएगा। GS के अंदर भी आपको 40-50 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। अपना एफर्ट जो है लगाते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।